ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत गोरखपुर मुख्यालय से 50 किलोमीटर स्थित नकौड़ी खास गांव में 103 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। आपको बता दें कि एडीजी जोन अखिल कुमार ने जनपद में अपराध कम करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान चलाया था, जिसके तहत गोरखपुर मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित नकौड़ी खास गाँव के प्रधान गुड्डू सिंह ने अपने गाँव में 103 सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, जिससे अब पूरा गाँव अपराध मुक्त हो गया है, जिसके लिए एडीजी जोन अखिल कुमार ने प्रधान गुड्डू सिंह को सम्मान भी किया था। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि जब से ऑपरेशन त्रिनेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में चला है, जिसमें कई प्रधान ऐसे हैं जो कि ऑपरेशन त्रिनेत्र से प्रभावित होकर अपने गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवाए हैं, जिसमें सबसे आगे नकौड़ी खास के प्रधान गुड्डू सिंह हैं, जिन्होंने अपने गाँव में 103 सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, जिससे पूरा गाँव सीसीटीवी से लैस हो गया है, जो कि लंदन ऑफ गोरखपुर के नाम से जाना जाता है। इससे गाँव में अपराधों में कमी आई है। अब गांव में कहीं भी चोरी नहीं होती है। यदि कोई घटना घटती है तो कोई भी किसी को किसी झूठे केस में फंसा नहीं पाता है। और जो गांव में झगड़े होते थे और जो मनचले लड़के थे जो महिलाओं को छेड़ते थे, अब वो सीसीटीवी लगने के से डर गए हैं। इससे महिलाएं बहुत खुश हैं। वहीं इस संबंध में नकौड़ी खास के प्रधान गुड्डू सिंह ने कहा कि गाँव में ऑपरेशन त्रिनेत्र से प्रभावित होकर 103 कैमरा लगाया गया है। इसके लग जाने से अब गाँव में न कोई अपराध होता है और न ही किसी के घर के बाहर से मोटर चोरी होता है। अब लोगों में हमेशा भय बना रहता है कि कोई गलत काम करेंगे तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से अब कोई गलत काम नहीं करता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार, नकौड़ी गांव के प्रधान गुड्डू सिंह, नागरिक जगन्नाथ ने कहा। सर, ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एक गाँव है नकौड़ी खास, जो बेलगाटी तरफ 103 कैमरा पूरा गाँव मुक्त हो गया है। देखिए, ऑपरेशन त्रिनेत्र जैसे ग्रामीण क्षेत्र में चला है तो इसमें कई प्रधान ऐसे हैं जो मोटिवेट हुए इस ऑपरेशन में और इसकी कारगरता को समझे, और इसके तहत कई प्रधानों ने, जो हम लोगों ने तो सिर्फ एक चौराहा जहां चार कैमरा के लिए अनुरोध किया था, उन्होंने अधिकाधिक कैमरा लगाने शुरू किए। और उनमें सबसे आगे नौकरी खास के प्रधान गुड्डू सिंह जी रहे, जिन्होंने अपने पूरे गाँव में हर गली हर रास्ते को कैमरे से कवर कर लिया है और वहाँ करीब 103 कैमरे उन्होंने गांव में लगाए हैं और आज वो लंदन ऑफ गोरखपुर के नाम से जाना जाता है। वो गांव में बैठे गांव की सारी व्यवस्था कैमरा की तरह देखते हैं, कहाँ सफाई नहीं है, कहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सुरक्षा के विषय का पूरी मॉनिटरिंग वहीं से हो जाती है। और इन कैमरों की वजह से खास करके महिलाएँ बहुत खुश हैं, क्योंकि जो रास्ते में शराब पीना जुआ खेलने की प्रवृत्ति थी गाँव के लोगों में, वो चली गई है। कोई लोग गांव में किसी प्रकार की अराजकता नहीं रही है, सब सुरक्षित है। बच्चे, छोटे बच्चे, लड़कियां सब आराम से घूम रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा कार्य किया गुड्डू सिंह ने और वो बहुत बहुत बधाई के पात्र भी हैं। और इस तरह के अन्य सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं जहां 30 कमरे, कहीं 35 कमरे, कोई 25 कमरे लगा रहा है और ये धीरे धीरे इसकी डिमांड गाँव में बढ़ती जा रही है। सर, अपराध पे भी लगाम लगा काफी स्वागत है। जहाँ कैमरा रहेगा, जहाँ नज़र रहेगी तो अपराधी भी बचेगा उससे, तो इस पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ना केवल उस गांव में, पूरे जनपद में, गोरखपुर में जहां करीब 20,000 कैमरा लोकेशंस लग गए हैं, इस पर अपराध पर निश्चित रूप से एक भारी गिरावट देखी गई है इसके कारण। प्रधान जी, ये कौन सा गांव है? ये हमारा गांव नकौड़ी खास है, विकासखंड बेलघाट, जनपद गोरखपुर। यहाँ पे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कितने कैमरे लगे? पहले तो हम लोगों ने एडीजी साहब के निर्देश पे अपने डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर साहब के कहने से 85 कैमरे लगाए थे, उसके बाद में फिर हम लोगों ने 103 कैमरा लगा दिया। अच्छा, इससे अपराध में कितनी गिरावट आई है? अपराध में जो पहले लोगों के यहाँ मोटर खुल जाते थे या अथवा आपस में आए दिन लोग विवाद किया करते थे गांव में, मोहल्ले में, घर पे, तो अब उसमें काफ़ी गिरावटें आई हैं। किसी प्रकार का कोई ना विवाद होता है, ना किसी प्रकार की चोरी होती है। अच्छा, ये भी बताया जाता कि पहले इस तरह के मतलब छेड़छाड़ होते थे जिसको, लेकिन अब कैमरे लगने से काफ़ी बदलाव, इससे नए लड़कों में या अथवा पुराने जो भी हैं, मतलब उस तरीके के लोग, उसमें एक भय व्याप्त है, इस तरह की कोई घटनाएं नहीं होती हैं। पहले भी होता था, लोग झूठे में किसी को मुकदमे में फंसा देते, लेकिन अब इससे बचा जा सकता है। अगर आदमी कहीं कोई गलत तरीके से नामजदगी कर दे, और हम लोग, हमारे गाँव में पूरे गाँव में कैमरा लगा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ हैं तो उसका DBR से थाने पर उसकी सूचना दे करके गलत नामजदगी को हटवा सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? गुड्डू सिंह। गिरावट आया है, पहले लोग मोटर वोटर खोल लिया करते थे चोर चाय उचक के, अब ये मोटर वोटर बाहर पड़े हुए हैं, कोई खोल नहीं रहा है, सुरक्षित पड़े हुए हैं। जैसे गांव में
कुछ उद्दंड पार्टियां थी, वे पार्टियां कुछ उद्दंड किया करती थी। अब रात में घूमने फिरने और दिन में ऐसे उचकों का बहुत गिरावट हो चुका है। क्या लगता है, उन लोगों को भी सीख लेनी चाहिए? हाँ, इससे सीख लेनी चाहिए और इसका अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए। क्या नाम आपका? जगन्नाथ सिंह।